रांची अच्छा शहर है यार, पहले भी खेले हैं एक बार 2014 में, तो अच्छा शहर है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होते हैं तो आप पे कुछ होता नहीं है, तो घर में फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आप एक ऊपर लेवल से नीचे आते हो, तो घर घर खाने को आता है एक तरीके से। लीजेंड लीग क्रिकेट का दूसरा सीजन का शुरुआत रांची से हो चुका है और रांची के जेएससीए स्टेडियम में लीजेंड अपने खेल से दर्शकों का प्यार बटोर रहे हैं। इस लीग के दूसरे मैच में मणिपाल टाइगर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। दोनों टीम के बीच कांटे की टक्कर हुई और अंत में मणिपाल टाइगर्स ने मैच को अपने पक्ष में किया और शानदार जीत दर्ज कर ली। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मणिपाल टाइगर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स ने पारी की शुरुआत तो शानदार की, लेकिन बाद में वह लड़खड़ा गए और जिस तरह से आक्रामक बॉलिंग मणिपाल टाइगर्स की ओर से की जा रही थी उसमें टीम 163 रनों पर ढेर हो गई और 20 ओवर खत्म हो गया। इस तरह से गुजरात जायंट्स जो है वो हार गई। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जीत के बाद मणिपाल टाइगर्स के खिलाड़ी। नहीं, हम लोगों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, भज्जू भाई ने जहाँ बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग किया, फिर अवाना आया, अवाना ने 2 विकेट निकाल दिया, फिर तिसारा आया, तिसारा ने 2 विकेट निकाल दिया, तो वहाँ से अवाना ने जब कैलिस को आउट किया वहाँ से चेंज हो गया सारा। उसने फिर एक ही ओवर में 2 आउट किया, फिर तिसारा ने 2 एक ही ओवर में 2 आउट किया, तो वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। टैलेंडर पे फिर एक ओवर में 16 रन मुश्किल हो जाता है, आते ही छक्का चौका लगता नहीं, तो मुझे नहीं लगता था कि वो जीत जाएंगे। हमने अच्छी बॉलिंग किया, जैसे हमारा वहाँ पे है देहरादून में, तो उसके लिए भी रणनीति तैयार करेंगे। आज मैच जीत गए, कल बातें होंगी टीम मीटिंग में, जो भी बातें होंगी, जो भी स्ट्रेटजी बनेगी कल बनेगी। अब तो जीत गए हैं, आज रिलैक्स करने दो बस। ये ऐसी लीग होती रहनी चाहिए और ये तो बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। ये जो लीग होती है LCC T20, ये इंडिया में जो होती है इसमें सब प्लेयर खेलते हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे इरफान पठान, यूसुफ पठान, क्रिस गेल, कैलिस, तो सभी खेलते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे प्लेयर को मौका मिलता है इसमें खेलने का, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होते हो तो आप पे कुछ होता नहीं है, तो घर में फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आप एक ऊपर लेवल से नीचे आते हो, तो घर घर खाने को आता है एक तरीके से। तो ये लीग स्टार्ट हुई है तो हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, जो हम साथी हैं, उनसे मिलने का मौका मिल जाता है। 10-15 दिन बाहर रहते हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, दिमाग थोड़ा ठीक हो जाता है। तो घर में रह रहे के तो ना, शहर में रह रहे के तो फिर वही बातें है। बिल्कुल, अगर बात करें गुजरात जायंट्स की तो क्रिस गेल ने टीम के लिए 38 रन और जैक कैलिस ने 56 रन बनाए थे। इसके बाद पार्थिव पटेल कुछ देर मैदान में जमे और 35 रन टीम के लिए जुटाया। बाकी कोई भी बल्लेबाज 10 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सका। पूरे खिलाड़ी मिलकर 163 रन पर ही सिमट गए। इस तरह मणिपाल टाइगर्स ने गुजरात जायंट्स को शिकस्त दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।